इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में रोज कोरोना संक्रमण के नए मरीजों से लेकर मंडी वालों तक के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अस्पताल की ओर भाग रहे मरीजों की भीड़ और शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रही लाशें सरकारी आंकड़ों की पोल खोल रही है। भोपाल सरकार है उनका सिस्टम और उनके कारिंदों के लिए आंकड़े झूठ हो सकते हैं, लेकिन शमशान, कब्रिस्तान और मुर्दे झूठ नहीं बोलते। सच और झूठ के बीच ये द्वंद्व इसलिए छिड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में रोज नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों से लेकर मरने वालों तक के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अस्पताल की ओर भाग रहे मरीजों की भीड़ और शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों की पोल खोल रही है। 27 मार्च से मंगलवार 13 अप्रैल तक सरकार की सुई 1, 2, 3, 4 की गिनती तक ही अटकी रही, जबकि अब तक सैकड़ों की तादाद में मृतकों के अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। सरकार अस्पताल में बेड, दवाएं, ऑक्सीजन, इंजेक्शन जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसी प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिए आंकड़ों में गड़बड़ी का खेल खेला जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि सब ठीक ठाक है। इसका नतीजा ये हुआ है कि सही तथ्य सामने नहीं आने की वजह से जनता गुमराह और लापरवाह होती गई और अब हालात ये हैं कि भोपाल में कोरोना संक्रमण की दर 28% से ऊपर जा पहुंची है, यानी जांच में लगभग हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है। राज्य में कोरोना बेकाबू हो गया है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को।